अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ये है जिना इंटरनेशनल। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कराची से एंड दुबई। तो अभी आगे देखते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है। ओके, थैंक यू। देख रहे हैं ये है जिना इंटरनेशनल कराची एयरपोर्ट। ओके, आज की मेरी फ़्लाइट है कराची टू दुबई। आप देख रहे हैं ये है कराची इंटरनेशनल। फ्रेंड्स, तो मैं चेकिंग से भी पास हो गया हूँ और यहाँ से भी आ गया हूँ। अभी मैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वेटिंग में बैठा हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे पास हो। देखें, सबसे पहले मैं इंटर हुआ। इंटर होने के बाद मेरा वीज़ा था अबू धाबी का। अबू धाबी के लिए ना तो अप्रूवल मांग रहे हैं और ना ही कुछ तो आने दे रहे हैं। दुबई के लिए लाजिम आ रहे हैं। तो मैं पहले इंटर हुआ, इंटर में फिर चेकिंग हुई, चेकिंग बोर्डिंग पास में मेरा सब चेक हुआ। आपके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए और अपने वीज़ा पासपोर्ट और वीज़े की कॉपी होनी चाहिए और उसके अलावा क्या कहते हैं आपकी टिकट होनी चाहिए। टिकट के बाद आप इंटर होंगे, चेकिंग होंगी, आपका बोर्डिंग पास बनाएंगे। बोर्डिंग पास बनाने के बाद आपको एक पेपर देंगे छोटा सा, ठीक है, जो बोलेंगे फिल करें पूरा, मतलब लिखें अपना नाम वगैरह, फ़्लाइट नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये वगैरह, ये गेट नंबर आपका, जो गेट होगा आप वहाँ पर आपने देना है। तो वहाँ से फिर आप मतलब कि इमिग्रेशन में आएंगे। इमिग्रेशन में आपसे पूछेंगे अप्रूवल है तो आप बोल देना अप्रूवल है। वैसे अबू धाबी के वीज़े के लिए अप्रूवल नहीं मांग रहे। तो फिर आपको वहाँ से इमिग्रेशन से हो जाएंगे। इमिग्रेशन के बाद वहाँ से उसके बाद दूसरी इमिग्रेशन होती है, वहाँ से पूछेंगे आप बोर्डिंग पास स्टैंप देंगे। उसके बाद आपकी चेकिंग बाद आप वेटिंग रूम में आएंगे। अभी मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ, फ़्लाइट के लिए वेटिंग कर रही हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से जो है फिर फ़्लाइट आएगी, फ़्लाइट से फिर हम जाएंगे मतलब कि दुबई टर्मिनल 2 पे। वहाँ से पता नहीं अब हमें क्वारंटीना में रखेंगे या नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट कराची जिना इंटरनेशनल यानी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बैठा हूँ फ़्लाइट के वेट में, ठीक है। तो मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये कराची जिना इंटरनेशनल वेटिंग रूम है। तो ठीक है, और अभी मैं आपके अभी हम जाएंगे फ़्लाइट में भी जाने के लिए, थोड़ी देर बाद जाएंगे फ़्लाइट के लिए। उसके बाद जाके वहाँ से मतलब कि आपको फ़्लाइट की भी थोड़ी बहुत फुटेज दिखाऊंगा। तो देखेंगे फिर मैं वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। ओके, अभी आगे की वीडियो आगे ही बनाएंगे, चलेंगे आपको दिखाता हूँ सब पूरा प्रोसेस कराची टू दुबई। ओके, जहाज में आ गए हम लोग, जहाज के अंदर हैं, देख सकते हैं आप। ये देखें बाहर का व्यू, जहाज हैं कराची इंटरनेशनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग दुबई एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं। तो यहां से मैं आउट भी हो गया, तो मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या करना होता है। तो मैं दुबई एयरपोर्ट में ही हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। देखें, जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है, लैंड होने के बाद तो आप लोगों को बस जो एयरपोर्ट में लेके आती है, एयरपोर्ट में लेके आने के बाद सबसे पहले जो आप लोग पाकिस्तान से कोरोना टेस्ट करवा के आते हैं उसकी रिपोर्ट वो लोग लेते हैं, ठीक है। फिर आपको आगे भेजते हैं। तो फ़्लाइट में आपको एक फॉर्म भी देते हैं जहाँ से आपको फ़िल करना होता है अपना सब कुछ, यानी कि बायोडाटा। तो फिल करने के बाद फिर आप लोग वहाँ से मतलब कि आके पहले कोरोना का जो टेस्ट है वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर आप लोगों की जो इमिग्रेशन होती है, जो जिसका वीज़ा है जो भी है, तो वो वीज़ा जो भी है जमा कराता है, वहाँ से आउट होता है। आउट होने के बाद वहाँ से आपको लाइन में लगाते हैं। लाइन में लगाने के बाद आपका जो है ना वो बायोडाटा सारा लेते हैं आपसे पासपोर्ट, बोर्डिंग का अगर आपके पास एमरेस आईडी है यहाँ की, ठीक नहीं है तो फिर आपसे पासपोर्ट के जो है वो आपसे लेंगे। लेने के बाद फिर जो है आपका मतलब कि आपको एक नंबर दे देंगे, आपको टेस्ट की जो टेस्ट के लिए जो होता है वो दे देंगे। वो बोलेंगे आप इतने नंबर पर जाने के बाद आप लोग मतलब कि फिर कोरोना का टेस्ट करवाएंगे। कोरोना का टेस्ट जो कि आप करवाएंगे, तो कोरोना का टेस्ट करवाने के बाद फिर आप लोग हो जाएगा कोरोना की रिपोर्ट नहीं, टेस्ट आपसे करके आपको आगे जाने दें। आप आगे नेक्स्ट जाएंगे तो आपसे जो आप फॉर्म फिल करते हो ना, जो आपको फ़्लाइट में दिया जाता है, तो वो फॉर्म जो है वो आप वहाँ पर कलेक्ट करवाएंगे। कलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग आगे अपना सामान उठा के आगे जाके सामान की चेकिंग होगी। होने के बाद आपका जो है टेस्ट तो ऑलरेडी हो चुका होता है, उसकी रिपोर्ट तो आएगी। जब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोरोना होगा या कुछ, तो आपका जो बायोडाटा और सब कुछ आपका है वो आपको मतलब वहाँ से फ़ोन करेंगे, बुला लेंगे, नहीं तो फिर आप उसके पास जो है गाड़ी भेज देंगे। तो अभी तक मतलब कि आपसे वो करवा लेंगे। तो अभी यहाँ पे कोई भी क्वारंटीना हमको नहीं किया है, टेस्ट लेके हम लोगों को जाने दिया है। तो ना कोई क्वारंटीना किया है, ना रोका है, ना कुछ, बस सब कुछ फ़ाइल वगैरह लिए हैं, बायोडाटा लिया है, एंट्री की है। एंट्री करने के बाद फिर मतलब कि जाने दिया है। क्लियर हो गया हूँ, ठीक है। क्लियर होने के बाद मैं एयरपोर्ट के जो मतलब
अंदर का जो एरिया होता है वहाँ से आके मैं बाहर आ गया, मतलब अब इजीली मैं घर जा सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देने की दे दी है। ठीक है, तो अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे और तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि औरों को भी सबको पता चल जाए। और हाँ, और जैसे कि पहले पहले भी वीडियो मैंने एक बनाई थी फ्लाई दुबई के लिए, तो फ्लाई दुबई के जो है ना वो अपना क्या कहते हैं, ओ तो फ्लाई दुबई जो है विदाउट दुबई के वीज़े वाला जो है अबू धाबी के वीज़े पे जो है जाने दे रही है। ठीक है, तो मतलब इसलिए अगर फ्लाई दुबई पे हैं कोई अप्रूवल वगैरह नहीं लिए, दुबई के वीज़े पे अप्रूवल लेते हैं, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, मैंने बताया था, इसलिए अभी इसलिए होकर बाहर आ गया, मैंने आपको सब बता दिया। एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।